हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा फिलर्स एंड स्पॉटिंग एरर्स के कुछ डीटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस। ये रियल क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस IBPS ESO एग्ज़ाम 2017 में पूछे गए थे। काफ़ी अच्छे लेवल के ये क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो क्लास में मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स के लिए, पर्टिकुलरली बैंक PO मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें और एंड तक इस वीडियो क्लास को देखें। इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर देखिए, एक वोकेबलरी को मैं मेंशन करना चाहूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि उनकी वोकेबलरी इंप्रूव नहीं होती है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने इस वेबसाइट पर, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है englishiq.in, यहाँ पर आप ज़रूर जाएँ और यहाँ से आप काफ़ी सारी ई बुक्स, वोकेबलरी की ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो डाउनलोड कर ही सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सीरीज़ भी चला रहा हूँ करेंट वोकेबलरी की, जिसके 3 पार्ट अभी कंप्लीट हो चुके हैं। एक पार्ट में करीब 100 वोकेबलरी वर्ड्स हैं और डिस्क्रिप्टिव तरीके से मैंने इन वोकेबलरी वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है। इनको आप बार बार पढ़ें, डेफिनेटली इनसे काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को और हाईली यूजफुल ये क्वेश्चंस हैं। देखिए, यहाँ से देखते हैं इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका डायरेक्शन पाथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रियल क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। ये ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ से बनेगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये फिलर का क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ से आपको पढ़ना है, इन द गिवन क्वेश्चन वन स्टेटमेंट विद ए ब्लैंक इज गिवन अलॉन्ग विथ फोर वर्ड्स, टू ऑफ द गिवन वर्ड्स कैन फिट। देखिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में एक ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैंक दिया है और नीचे ये 4 वर्ड दिए हैं यहाँ पर, ए बी सी डी। इन 4 वर्ड्स में से कोई भी 2 वर्ड जो होंगे वो सूटेबली फिट होंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी ए सी आ सकता है, बी सी आ सकता है, ए डी आ सकता है, ए बी आ सकता है। तो कौन कौन से 2 वर्ड यहाँ पर सूटेबली फिट हो सकते हैं, वो आपका आंसर होगा। अब सूटेबली फिट होने का मतलब क्या है, कि सूटेबली फिट होने का मतलब ये है कि ग्रामर के हिसाब से प्लस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, दोनों ही एंगल से वो वर्ड्स यहाँ पर सही फिट होने चाहिए। अब देखिए, इस सेंटेंस को मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अमेरिकन वाटर लॉस, वाटर इश्यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट वेरी नॉर इजीली फिक्सेबल। यहाँ पर पानी की जो समस्या है, वाटर जो इश्यूज हैं यूएसए में, अमेरिका में, उसकी इसमें बात हो रही है। ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अमेरिकन वाटर लॉ, अमेरिकन वाटर लॉ जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर इश्यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट, मतलब वाटर इश्यूज जो है यूनाइटेड स्टेट्स में वो इजीली फिक्सेबल नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर एक कीवर्ड, देखिए यहाँ पर एक कीवर्ड दिया है नॉर। नॉर का मतलब है कि ना तो ऐसा है ना ऐसा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फिक्सेबल का इक्विवेलेंट वर्ड यहां पर आएगा, तभी तो आप बोल पाएंगे कि ना तो मैनेजेबल है ना फिक्सेबल है, ना तो उसको मैनेज किया जा सकता आसानी से ना ही उसको फिक्स किया जा सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या चाहिए, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वोकैबुलरी की नॉलेज, रीडिंग की नॉलेज, इंग्लिश सेक्शन की नॉलेज प्लस IQ, ये चारों चीजें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। ये IBPS ESO के रियल क्वेश्चंस हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप अमीनेबल लगाएं तो अमीनेबल का मतलब होता है इजीली कंट्रोलेबल या मैनेजेबल, और कंप्लाइंट का मतलब भी ये होता है इजीली कंट्रोलेबल या मैनेजेबल। कंप्लाइंट का मतलब जो कंप्लाई करते हैं रूल के साथ। तो यदि आप कंप्लाइंट यहाँ पर लगाएं तो ये हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट वेरी कंप्लाइंट नॉर इजीली फ्लेक्सिबल नॉट इजीली फिक्सेबल। ना तो वो इजीली फिक्सेबल है और ना ही वो कंप्लाइंट है, मैनेजेबल है। और मैनेजेबल के लिए दूसरा वर्ड एमिनेबल भी है, तो इसमें एमिनेबल प्लस आपका ये वाला वर्ड कंप्लाइंट, ए और डी का जो कॉम्बिनेशन है ये इसमें सही यहाँ पर फिट हो जाएगा और आपका आंसर यहाँ पर होगा ए डी। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक टाइम्स आप पढ़ सकते हैं, द हिंदू आप पढ़ सकते हैं, और रीडिंग आपको जो करना है वो कॉम्प्रिहेंशन के साथ करना है, उसको एनालाइज करना है। जो भी वर्ड्स आते हैं उनको एक डायरी में लिखना है, एक रजिस्टर में लिखना है, उनको वीकली बेसिस पर रिवाइज करना है।
तब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो अच्छे तरीके से बनेगा, उस पर आपकी मास्टरी हो पाएगी। रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करना है, एनालाइज करना है, वोकेबलरी को एक रजिस्टर में लिखना है और वीकली बेसिस पर उनको रिवाइज करना है। ये एक मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई है कि किस तरीके से आप इंग्लिश सेक्शन में, बैंकिंग एग्जाम्स में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये एक श्योर श्योर तरीका है। ग्रामेटिकल आस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए ग्रामेटिकल आस्पेक्ट पर, लेकिन रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सेकेंड क्वेश्चन। क्रॉनिक ड्राउट एंड फूड इनसिक्योरिटी प्लेग साहिल, क्या मतलब है सेंटेंस का? देखिए, यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी की बात हो रही है। ड्राउट यानी सूखा, जब पानी नहीं बरसता है तो सूखा पड़ जाता है, वहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो फूड इनसिक्योरिटी एंड ड्राउट, ये कहाँ पर होंगे? ये किसी कंट्री में या किसी रीजन में होंगे। इसका मतलब ये है कि साहिल जो है ये किसी रीजन या किसी कंट्री का नाम हो सकता है। भले ही आपको इसका नाम ना सुना हो, ना पता हो, लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। साहिल या तो किसी कंट्री का नाम होगा या किसी रीजन का नाम होगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है प्लेग। प्लेग का मतलब देखिए, प्लेग को यहाँ पर चूंकि आप बोल रहे हैं कि क्रॉनिक ड्राउट एंड फूड इनसिक्योरिटी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या होगा? ये वर्ब ही होगा। यहाँ पर प्लेग को वर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, क्रॉनिक ड्राउट एंड फूड इनसिक्योरिटी, ये परेशान कर रही हैं, इसकी वजह से इसको सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है, तो प्लेग एक्चुअली बीमारी भी होती है, फसलों में भी प्लेग लगता है, ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है ये प्लेग। और यहाँ पर प्लेग का मतलब है पेस्टर या परेशान करना या सफ़र, किसी व्यक्ति को सफ़र कराना। ठीक है, तो क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब क्या है? क्रॉनिक का मतलब जो चीज़, जो परेशानी लंबे समय से चली आ रही है या बार बार होने वाली परेशानी, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक। क्रॉनिक हम डिजीज के रेफरेंस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसी बैड चीज़ जो बार बार हो रही है, परेशान आपको कर रही है, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक। तो क्रॉनिक ड्राउट एंड फूड इनसिक्योरिटी प्लेग साहिल, विच इज ऑलरेडी वन ऑफ द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में सबसे गरीब देशों में से ये एक है, और वहाँ पर ये चीज़ें आ गई हैं, सूखा और फूड इनसिक्योरिटीज की वजह से साहिल में और ज़्यादा परेशानी जो है वो बढ़ गई है। मोर ओवर, और इससे ज़्यादा क्या है, द क्लाइमेट एंड जियोग्राफी ऑफ द रीजन। इसके अलावा क्लाइमेट और वहाँ की जो जियोग्राफिक कंडीशन है रीजन की, वो क्या करती है, रीजनल कम्युनिटी टू रिलेटिव आइसोलेशन, मतलब वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और जियोग्राफिक कंडीशन है, उसकी वजह से वहाँ की जो रीजनल कम्युनिटी है वो रिलेटिव आइसोलेशन में चली जाती है, मतलब अलग थलग पड़ जाती है। अब देखिए, यहाँ पर क्या वर्ड आ सकता है? क्या यहाँ पर एलिविएट्स आ सकता है? देखिए, एलिविएट्स इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि क्लाइमेट इन जियोग्राफी दो चीज अलग अलग चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं, तो इसमें एस नहीं लगेगा, लेकिन इसको एक यूनिट की तरह मान रहे हैं, एक्चुअली एक यूनिट की तरह ले रहे हैं, क्लाइमेट इन जियोग्राफी एक ही चीज़ है ये, तो एस तो लग जाएगा इसमें। लेकिन एलिविएट्स का मतलब क्या है? एलिविएट्स का मतलब है कि लेसन, यानी किसी चीज़ की सफरिंग को कम करना, उसको मिटिगेट करना। ठीक है, और ट्रांसग्रेस का मतलब है किसी रूल को तोड़ना। अब देखिए, यहाँ पर एक कीवर्ड क्या है, यहाँ पर एक कीवर्ड है टू। ये जो टू है ना, ये एक कीवर्ड है। इस टू का मतलब होता है जैसे ए डाउनग्रेड टू बी, मतलब ए नीचे गिर के बी पर आ गया, या ए रेलीगेट टू बी। ठीक है, तो यहां पर आप रेलीगेट्स लगा सकते हैं और डाउनग्रेड्स लगा सकते हैं। रीजन डेलीग्रेड्स डाउनग्रेड्स टू रीजनल कम्युनिटी, क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफी ऑफ द रीजन डाउनग्रेड्स रीजनल कम्युनिटी टू रिलेटिव आइसोलेशन, और रेलीगेट भी आ सकता है। रेलीगेट के साथ भी हम टू लगाते हैं, डाउनग्रेड के साथ भी हम टू लगाते हैं। तो ये देखिए, मैं कैसे बता पा रहा हूँ यहाँ पर कि इन दोनों वर्ड्स के साथ ये टू प्रपोजिशन आ सकता है। ठीक है, ए डाउनग्रेड्स टू बी और ए रेलीगेट्स टू बी, मतलब ए जो है वो गिर के उसका लेवल या कुछ भी वो बी पर आ गया, मतलब एक स्तर उसका गिर गया है, वो नीचे के लेवल पर आ गया। तो यहां पर आपका रेलीगेट्स डेफिनेटली आ सकता है, डाउनग्रेड्स डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, तो बी एंड सी, बी रेलीगेट क्या है, बी है, डाउनग्रेड क्या है, सी, बी सी, बी सी इसमें डेफिनेटली आ सकता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, ये आईबीपीएस एसओ के ये क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन है, और रीडिंग इसके लिए डेफिनेटली आपको चाहिए। तो
अब यहाँ पर आप देखते हैं द ग्लोबल ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी विल मोस्ट लाइकली स्लो। देखिए ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी की बात हो रही है कि क्लीन एनर्जी को हम लोग अपना रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब वहाँ पर हम ट्रांजिशन का मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जाना। द ग्लोबल ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी विल मोस्ट लाइकली स्लो ड्यू टू द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज, बट इट विल नॉट हॉल्ट और रिवर्स विच इंडिकेट्स अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्लीन एनर्जी विल रिमेन। देखिए इस यहाँ पर क्ली यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से क्लीन एनर्जी जो है वो स्लो हो जाएगी, उसका जो ट्रांजिशन है वो स्लो हो जाएगा और क्लीन एनर्जी विल रिमेन। क्लीन एनर्जी का जो टॉपिक है जब स्लो हो जाएगा, क्या वहाँ के जो सिटीजन चाहेंगे कि ये ट्रांजिशन जो है जिससे विकास हो ये स्लो हो जाए, इससे नहीं चाहेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो उसके ऊपर डिबेट करेंगे, यानी ये इशू जो रहेगा जो डिबेटेबल रहेगा, और डिबेटेबल का इक्विवेलेंट है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब भी है कि ओपन टू डिसएग्रीमेंट, वहां पर डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए सी और डी इसमें आपका सही आंसर आपका होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से। हॉल्ट का मतलब होता है रोकना, रिवर्स का मतलब होता है पीछे की तरफ होना। इसमें देखिए दो वर्ड और आए हैं, अनस्कैथ। अनस्कैथ का मतलब है अनडैमेज या अनहर्ट, और कंपैटिबल यहां पर पूरी तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यदि ए बी के लिए कंपैटिबल है तो मतलब वो ए और बी मतलब दोनों साथ में हो सकते हैं, दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी होती है मतलब दोनों साथ में अच्छे तरीके से रह सकते हैं। तो कंपैटिबल वर्ड यहां पर नहीं आएगा, कंटेंशियस और डेफिनेटली डिबेटेबल सी और डी यहां पर सही होंगे। अनस्कैथ का मतलब होता है अनहार्म, तो ये नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैन नॉट मीट द ग्रोइंग डिमांड विदाउट इंक्रीजिंग बोथ कंजेशन एंड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बट द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन स्पर्ड, स्पर्ड का मतलब होता है किसी चीज को इनकरेज करना। बाय द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मे ऑफर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द सिस्टम सच एज। देखिए यहाँ पर एक्चुअली किसकी बात हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमारा जो करेंट ट्रांसपोर्टल सिस्टम है, ट्रेन्स हैं, बसेज हैं, कैन नॉट मीट द ग्रोइंग डिमांड। ग्रोइंग डिमांड मतलब बढ़ती हुई डिमांड, जो बढ़ती हुई डिमांड है वो उसको मीट नहीं कर सकता, उसको पूरा नहीं कर सकता। यानी सप्लाई ज़्यादा है मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर लोड ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लिखा है ग्रोइंग डिमांड का मतलब है कि चूंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो हमारा जो करेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो उसका लोड नहीं ले सकता। विदाउट इंक्रीजिंग कंजेशन एंड पॉल्यूशन, मतलब कंजेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कंजेशन का मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ है किसी जगह, और पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। तो पॉल्यूशन बढ़े बिना और कंजेशन बढ़े बिना हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो करेंट करेंट की जो डिमांड है पॉपुलेशन की उसको पूरा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है कि बट द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे जैसे ट्रेन्स में काफ़ी सारे इनोवेशन हो रहे हैं, ठीक है, और सभी टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे इनोवेशन हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन स्पर्ड बाय द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक फेज का नाम है, एक टाइम का नाम है। जैसे जैसे अभी हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो उसी उसी फेज को ये रिप्रेजेंट करता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ऑफर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द सिस्टम, मतलब जो करेंट जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो फेज़ है जिसमें हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, बहुत सारी जो नई नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता है। टू इम्प्रूव द सिस्टम सच एज मतलब यहाँ पर व्हीकल एक वर्ड आया है, तो व्हीकल चूंकि नाउन है तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव आ सकता है। तो किस तरीके के व्हीकल्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? देखिए अभी आपने सुना होगा कि ड्राइवरलेस कार की बात हो रही है, ड्राइवरलेस प्लेन्स की बात हो रही है, ड्राइवरलेस ट्रेन्स की बात हो रही है। इसका मतलब कैसे व्हीकल्स की बात हो रही है, कैसे व्हीकल्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? ड्राइवरलेस यानी जो सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, और सेल्फ कंट्रोल्ड के लिए आप सेल्फ सफिशियंट वर्ड लगा सकते हैं, और सेल्फ सफिशियंट का इक्विवेलेंट है ऑटोनॉमस। तो ए और बी यहां पर आपका सही आंसर होगा, यानी यहां पर आपका आंसर होगा ए एंड बी।
देखिए, इरेजिस्टिबल तो पूरी तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इरेजिस्टिबल का मतलब जिसको आप रोक नहीं सकते, रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कस्टमाइज्ड का क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पर हम पूरी ट्रेन्स को, पूरी रेल को, पूरी टेक्नोलॉजी को चेंज करने की बात कर रहे हैं। कस्टमाइज का मतलब होता है किसी एक कस्टमर के लिए किसी चीज़ को मॉडिफाई करना। तो क्या हम किसी ट्रेन को एक कस्टमर को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाई करेंगे? नहीं करेंगे। यानी कस्टमाइज जो वर्ड है यहाँ पर, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ए और बी यहां पर आपका सही आंसर आपका होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द नेशनल पावर ग्रिड, नेशनल पावर ग्रिड जो सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं नेशनल पावर ग्रिड। नेशनल पावर ग्रिड इज वोफुली इन एफिशियंट। वो एफिशियंट नहीं है, वो सक्षम नहीं है। वोफुली का मतलब होता है अनहैप्पीली या सैडली। जब वो सक्षम नहीं है तभी तो हम दुखी हैं, तभी तो हम अनहैप्पी हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं। तो इसलिए ये वोफुली वर्ड आया है यहाँ पर। ठीक है, ये एडजेक्टिव को यहां पर मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब। द नेशनल पावर ग्रिड इज वोफुली इनएफिशिएंट एंड द कंट्री इज ऑफन क्रिपल्ड बाय पावर शॉर्टेज एंड ब्लैकआउट। मतलब देखिए, इसमें एक वर्ड आया है क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब है कि वैसे तो हम फिजिकल सेंस में एक ऐसे व्यक्ति के लिए क्रिपल इस्तेमाल करते हैं जिसको चलने में दिक्कत है, जिसके पैरों में दिक्कत है, उसको हम बोलते हैं क्रिपल्ड या डिसेबल। लेकिन इसको किसी किसी मशीन के सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जब मशीन जो होती है वो हाईली डैमेज हो जाती है, बैडली डैमेज हो जाती है, उसको भी हम क्रिपल्ड बोलते हैं। क्रिपल्ड बाय पावर शॉर्टेज एंड ब्लैकआउट, जैसे लाइट चली जाती है उसको हम बोलते हैं ब्लैकआउट्स। लाइक द वन इन 2012 वेयर 3 ऑफ इंडियाज 5 ग्रेड्स फेल्ड। इसमें ये बात हो रही है कि चूंकि नेशनल पावर ग्रिड इनएफिशिएंट नहीं है, उसकी वजह से हमारी कंट्री के सिटीजन्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारा पूरा सिस्टम क्रिपल्ड हो जाता है। जैसे कि 2012 में हुआ था जब इंडिया के 5 जो मेन ग्रेड्स हैं वो फेल हो गए थे। ठीक है, पूरा एक एक लाइन में आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको बैंकिंग के जो क्वेश्चन हैं वो करने में आसानी हो। लीविंग 20 ऑफ इट्स 28 स्टेट्स एंड 700 मिलियन पीपल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर्स। इसका इफेक्ट क्या हुआ था? जब 5 ग्रिड बंद हो गए थे 2012 में, तो 28 में से 20 स्टेट्स में 700 मिलियन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बिना रहना पड़ा था। ये पूरे सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, विच फोर्स्ड पब्लिक सर्विसेज एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस, जिसकी वजह से पब्लिक सर्विसेज और प्राइवेट इंटरप्राइजेस को क्या करना पड़ा? टू शट डाउन, उनको अपने ये सारे एंटरप्राइजेस बंद करने पड़े। टू शट डाउन, एज एज का मतलब यहां पर हम रीजन बता रहे हैं क्यों शट डाउन करने पड़े। एज एज सिटीजन्स, जो नागरिक थे, जो लोग बाग थे, सिटीजन्स राइटेड इन द स्ट्रीट। उन्होंने उन्होंने राइटेड का मतलब होता है जैसे जैसे दंगे होते हैं, उन्होंने दंगा मचा दिया। ठीक है, राइटेड को यहां पर हम वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। अब यहां पर चूंकि सिटीजन वर्ड आया है, तो वो सिटीजन जो थे जो दंगा फसाद मचा रहे थे, वो कैसे हो सकते हैं? क्या वो पीसफुल होंगे? डेफिनेटली पीसफुल नहीं होंगे। वो जब शोर मचा रहे हैं और पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं, तो वो कैसे होंगे? वो यहां पर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए डिसग्रंटल्ड का मतलब, यहां पर एक आपको एक निगेटिव वर्ड चाहिए। अब देखिए, यदि आपको इन वर्ड्स का मीनिंग ना पता हो तो आप एक कॉमन सेंस अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप निकाल सकते हैं। डिस हम किस में लगाते हैं? क्या हम पॉजिटिव वर्ड में, पॉजिटिव वर्ड को जब हम निगेटिव बनाते हैं डिस नहीं लगाते? जैसे कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यूअस है। ठीक है, जैसे कंटिन्यू मान लीजिए, चलिए कंटिन्यू को हम निगेटिव कैसे बनाएंगे? डिसकंटिन्यू। ठीक है, या अन से भी हम निगेटिव बनाते हैं। इस अन से और इस डिस से हम वर्ड्स को निगेटिव बनाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एबल का हो गया डिसेबल, या कंटिन्यू का हो गया डिसकंटिन्यू। अब जैसे जैसे यहाँ पर वांटेड का हो गया अनवांटेड। तो इसका मतलब भले ही आपको इन वर्ड्स की मीनिंग ना पता हो, लेकिन आप ये इन्फर कर सकते हैं कि ये वर्ड नेगेटिव ही हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डिस लगा है और यहाँ पर अन लगा है, और यहाँ पर आपको नेगेटिव वर्ड ही चाहिए, क्योंकि सिटीजन जो होंगे वो पीसफुल तो होंगे नहीं, वो तो दंगा फसाद कर रहे हैं। तो डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है अनसेटिस्फाइड, तो डिसग्रंटल्ड आ जाएगा यहाँ पर। और अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड मतलब अनरूली, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है, समझ में आया अच्छे तरीके से? तो ए और सी यहां पर आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा डी, ए और सी। ठीक है, इस वीडियो क्लास को आप कई बार देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस बैंक व्यू मेंस एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं।
इस वीडियो क्लास को कई बार देखिए, सारे वर्ड मीनिंग्स मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने क्रिपल का मीनिंग आपको बताया, वो फुली का मीनिंग बताया, तो मेरे सारे वीडियो क्लास आप कई कई बार देखिए, डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। देखिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब आप एक बार देखते हैं वीडियो क्लास को तो सारी चीज़ें होते हैं अच्छे तरीके से ग्रेस्प नहीं हो पाती हैं, तो कई कई बार इन वीडियो क्लासेस को देखिए, डेफिनेटली एक अच्छा कमांड आपका इंग्लिश एक्सेल पर बनेगा। अब यहाँ से देखते हैं, आफ्टर चाइनीज इमिग्रेंट्स बिगेन अराइविंग इन वॉट, यहाँ पर आपको एक नाउन चाहिए, चाइनीज इमिग्रेंट्स की बात हो रही है, कई सारे इमिग्रेंट्स की बात हो रही है। Arriving in to work on the Central Pacific Railroad, Central Pacific Railroad पर काम करने के लिए Chinese immigrants आ रहे हैं इंडिया में। तो क्या ये एक दो immigrants होंगे या हजारों की संख्या में होंगे, क्योंकि Central Pacific Railroad पर लेबर जो आएगी वो कितनी होगी, एक या दो तो होगी नहीं, वो हजारों की संख्या में होगी। तो यहाँ पर आपको एक नंबर को इंडिकेट करने वाला वर्ड चाहिए, दे आर अराइविंग इन ग्रुप्स, ठीक है। तो ग्रुप्स का इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए, ग्रुप्स का इक्विवेलेंट वर्ड सा एक तो है स्वार्म ऑफ बीज, झुंड के लिए इसको बोलते हैं, और वेप्स का मतलब भी वही होता है कि झुंड में कोई चीज आती है। तो यहां पर ए एन सी आपका सही आंसर होगा, ए एन सी नहीं दिया इसमें, सी एन ए दिया है, तो इसी को हम आंसर मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना होता है। रीडिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रीडिंग आप जरूर करें, रीडिंग रेगुलर बेसिस पर करें। यदि बैंकिंग एग्जाम आपको निकालना है तो रीडिंग आप बहुत ज़्यादा करें और रेगुलर बेसिस पर करें। द सेकेंड आर आफ्टर सनसेट यूजुअली बॉट अ नाइट ब्रीज, नाइट ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा, नाइट ब्रीज दैट गेव अ लिटिल वेलकम रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब होता है राहत या आराम, फ्रॉम द हीट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट जो रेगिस्तान होता है उसकी हीट की इसमें बात हो रही है। अब रेगिस्तान की जो हीट होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर एडजेक्टिव आपको चाहिए, ठीक है। रेगिस्तान की हीट बहुत ही ज़्यादा गर्म और झुलसाने वाली होती है, तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेसिव, जो झुलसाने वाली है ऑपरेसिव, और एक हो जाएगा टॉरिड, टॉरिड का मतलब भी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो बी एंड डी इसमें, हाँ बी एंड डी दिया है, बी एंड डी इसमें आपका सही आप आंसर होगा। टेस्टिटरेंट का मतलब कम बोलने वाला, प्रोसेक का मतलब होता है जो मंडेन है, जो डल है, बोरिंग है, उसको बोलते हैं प्रोसेक। तो बी एंड डी यहां पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए, ये कॉमन एरर के क्वेश्चन हैं, आईबीपीएस एसओ के ये क्वेश्चन हैं, तो इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। इसमें एक सेंटेंस दिया है और इसमें दो एरर आपको बतानी है और उसके अकॉर्डिंग फिर यहां से आपका आंसर बन जाएगा। देखिए, दे अपलोडेड उन्होंने उसकी तारीफ की, दे अपलोडेड ऑलमोस्ट हिज ट्रिक्स, देखिए आप इसका मतलब निकालिए, ऑलमोस्ट हिज ट्रिक्स, या तो आप बोलिए ऑलमोस्ट ऑल हिज ट्रिक्स, उसने तारीफ की, उन्होंने प्रशंसा की किस चीज की, उसकी सभी ट्रिक्स की, ऑलमोस्ट हिज ट्रिक्स का क्या मतलब होगा, दे अपलोडेड वॉट, दे अपलोडेड ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट में हिज ट्रिक्स है, लेकिन कैसी ट्रिक्स, दे अपलोडेड ऑलमोस्ट हिज ट्रिक्स का क्या मतलब होगा, दे उन्होंने तारीफ की उसकी लगभग ट्रिक्स की, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। दे अपलोडेड ऑलमोस्ट ऑल हिज ट्रिक्स, दे अपलोडेड ऑलमोस्ट ऑल हिज ट्रिक्स, तो एक तो यहां पर गलती है, इसमें ए में गलती है, दे अपलोडेड ऑलमोस्ट ऑल हिज ट्रिक्स एंड एट द एंड ऑफ द, यहां पर द लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या चाहिए, यहां पर नाउन चाहिए, क्या परफॉर्म नाउन है, परफॉर्म नाउन नहीं है, नाउन फॉर्म क्या होगा इसका, नाउन फॉर्म होगा परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एक ये गलती निकल के आ गई इसमें, एक ए पार्ट में गलती है और एक सी पार्ट में गलती है, ये परफॉर्मेंस वाला पार्ट है जो सी है एक्चुअली ये, ठीक है। तो ए और सी, हाँ दिया है इसमें ए और सी, आप आराम से देख लें, इस क्वेश्चन को समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ए और सी इसमें आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ, दे अपलोडेड ऑलमोस्ट ऑल हिज ट्रिक्स, कोई जादूगर है या कोई एंटरटेन कर रहा है किसी व्यक्ति को, तो उन्होंने उसकी सारी ट्रिक्स की तारीफ की और एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस के बाद में बेग्ड हिम अर्नेस्टली, उन्होंने उससे निवेदन किया, पोलाइट रिक्वेस्ट किया, नॉट टू गो अवे अगेन एंड लीव देम, वो उनको छोड़ के नहीं जाए, वो उनको छोड़ के नहीं जाए और उनको उनके साथ ही रहे। तो एक किसी स्टोरी में से ये सेंटेंस बीच में से दिया गया है, काफी अच्छा ये सेंटेंस है।
नेक्स्ट हम देखते हैं ही लुक्ड स्मॉल. लुक्ड का मतलब पास्ट टेंस है, ये सारी वर्ब इसमें पास्ट में होनी चाहिए. ही लुक्ड स्मॉल इन द मिडल ऑफ द फोयर. फोयर एंट्रेंस होता है किसी हॉल वगैरह का, ठीक है. एंड ही, यहाँ पर गलती है, लुक्ड एक्चुअली वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वियर की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वर होती है, डब्ल्यू ओ आर ई, डब्ल्यू आर एन नहीं होगा. तो एक तो इसमें ये गलती है आपकी, बी गलत हो गया. इन सिंसियर स्माइल लाइक ही माइट एनी अदर पीस ऑफ इजीली. देखिए क्लोदिंग क्या है, नाउन है, नाउन के बगल में एडजेक्टिव आएगा, रिमूव्ड एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए रिमूवेबल. तो एक आपका ये डी गलत हो गया, ठीक है. नाउन के बगल में एडजेक्टिव आएगा, रिमूव्ड एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव होता है रिमूवेबल. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी, ठीक है. इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी एंड डी. चलिए आगे देखते हैं, द एक्सपेंस फ्रॉम द यंग पॉपुलेशन. देखिए एक्सपेंस का मतलब क्या है, एक्सपेंस का मतलब होता है फैलाव या स्पेन या किसी चीज की रेंज या एरिया या नंबर के लिए भी इसको हम बोल सकते हैं. यंग पॉपुलेशन का जो रेंज है उसकी इसमें बात हो रही है. तो एक्सपेंस फ्रॉम द यंग पॉपुलेशन क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है इसका. आप बोल सकते हैं द स्पेन या द रेंज, रेंज ऑफ वॉट, रेंज ऑफ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, द रेंज ऑफ द यंग पॉपुलेशन. डेफिनेटली ये गलत है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, एक तो ए गलत है इसमें. द रेंज ऑफ द यंग पॉपुलेशन मेक्स इट वॉट, अब यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए, मेक्स इट डल, मेक्स इट इंटेलिजेंट, तो मेक्स इट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंस नहीं, ये तो नाउन है एक्चुअली, मेक्स इट इम्पोर्टेंट. द एक्सपेंस ऑफ द यंग पॉपुलेशन मेक्स इट इम्पोर्टेंट. बी में गलती है, इम्पोर्टेंट होगा ये, ए और बी, ए और बी में गलती है इसमें, ए और बी दिया है यहाँ पर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा फर्स्ट. ऐसे इन क्वेश्चन को करना है. नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, सही है, दैट इन द वीडियो गेम इंडस्ट्री मच लाइक इन द फिल्म इंडस्ट्री एन आइडिया इज अ मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ द होल पैकेज. ये सेंटेंस तो सही लग रहा है, एक बार और देख लेते हैं. सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सही है. क्या चीज को रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है, वो यहां पर दिया है, दैट इन द वीडियो गेम इंडस्ट्री, वीडियो गेम इंडस्ट्री में मच लाइक इन द फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की तरह एन आइडिया, आइडिया से पहले एन लगा है जो कि सही है. एक जो आइडिया होता है वो क्या होता है, एक मिनिस्क्यूल पार्ट होता है होल पैकेज का. मिनिस्क्यूल पार्ट मतलब बहुत ही छोटा पार्ट होता है, ठीक है. तो इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें कहीं पर कोई गलती नहीं है, और इसमें आंसर होगा आपका ई, दैट इज नो एरर, ठीक है. एक क्वेश्चन और देखते हैं, द न्यू अग्रीमेंट बाय जापान. ये वर्ब आप जरूर देखा करो, ये वर्ब गलत है. देखिए अग्रीमेंट्स प्लूरल है, एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल होगी. यानी ये जो है ये इससे एग्री नहीं कर रहा, ये वर्ब जो है इस सब्जेक्ट से एग्री नहीं कर रही, चूंकि ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब ही प्लूरल होगी. लेकिन ये कैसी है, तो सिंगुलर है, एस वर्ब में लगा होता है तो वो सिंगुलर होती है, एस सब्जेक्ट में लगा होता है तो वो प्लूरल होता है, ठीक है. तो एक तो ये गलती हो गई इसमें, एक तो आपकी ए गलती हो गई. टू काउंटर ग्रोइंग अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल मार्केट्स लार्जली ड्यू टू अनपैरेलल एक्शन बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ट्रेड वॉर. यहाँ पर अमंग नहीं आएगा, दो एंटिटी है ना, यूएस एंड चाइना, यहाँ पर बिटवीन आएगा. एक ये गलत हो गया आपका, ए एंड डी गलत हैं इसमें, आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है. तो इस तरीके से मैंने ये 12 क्वेश्चंस लिए हैं, सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, प्रीओ बेंस के लिए, सभी इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, आईबीपीएस पीओ एसओ एसबीआई पीओ, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस आपके एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं. और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपसे दोनों ही एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं. तो इस वीडियो क्लास को आप बार बार देखिए, और वोकेबलरी के लिए मेरी साइट पर आप जरूर जाएं, englishiq.in. यहाँ से आप काफ़ी सारी ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और वोकेबलरी वर्ड्स को पढ़ भी सकते हैं. काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अवेलेबल कराया है, englishiq.in. इस पर आप जरूर जाएं और यहाँ से इन ई बुक्स के थ्रू अपनी वोकेबलरी को आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.